नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे नई रिलीज हुई मूवी फ्रेडी का। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी उसी गड्ढे में गिर जाए। इसी कंसेप्ट पर ये मूवी बनी हुई है। मतलब इसका जो इसेंस है मूवी का वो यही है। थ्रिल है, ड्रामा है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खून खराबा क्राइम सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। कई जगहों पर ऐसे सीन्स है कि आपके दिल दहल जाए। जब भी कार्तिक आर्यन के चेहरे पर हंसी आती है आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होने लगती है कि अब क्या होने वाला है, अब कौन मरने वाला है। ओवरऑल अगर मूवी की बात करूँ तो बहुत अच्छा किया इसे OTT पर रिलीज करके, क्योंकि थिएटर एक्सपीरियंस के लिए जिस हिसाब का म्यूजिक चाहिए था वैसा है नहीं। बस एक ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, गाना बजता रहता है और एंड में एक म्यूजिक है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो मेन चीज है स्टोरी लाइन और किस तरीके से डॉक्टर अपने दिमाग से होशियारी कर बाकी सारी चीजें करता है और लड़ता है, जो भी आपको मूवी में मेन स्टोरी है मैं बताकर खराब नहीं करना चाहूंगी, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप OTT पर ही इसे एंजॉय करेंगे। हालांकि फर्स्ट हाफ या फिर यू कर लीजिए कि स्टार्टिंग के कुछ 25-30 मिनट मुझे बहुत स्लो लगे, ऐसा लगा कि मूवी कहीं बोरिंग तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका एंड करीब आते जाता है, स्टोरी बिल्ड होती है और एक के बाद एक लिंक लगने लगती है, तो ये मूवी अच्छी खासी थी। जैसे दृश्यम में आपको एक्साइटमेंट होती है क्राइम के बारे में वगैरह, वैसे इसके अंदर भी होती है। पुलिस वालों को यहाँ पर बहुत ही वीक दिखाया गया है, जैसे वो ना समझे होते हैं, वो लोगों ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया ही नहीं। बाकी दो विलन्स के आपस में झगड़े इसमें दिखाए गए हैं। मैं क्या बात कर रही हूँ आप मूवी देखकर समझ जाएंगे। अगर बात करें हम लोग रेटिंग की तो मैं इसे 5 out of 3 स्टार देना चाहूंगी। पहला स्टार बहुत अच्छी एक्टिंग के लिए। इसमें आलाया ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और कार्तिक आर्यन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बाकी साइड एक्टर्स भी बहुत अच्छे तगड़े दिखाए गए हैं। दूसरा, बहुत अच्छा सस्पेंस स्टोरी लाइन और क्राइम थ्रिलर हमें दिखाने के लिए। तीसरा, इसे OTT पर रिलीज करने का सही फैसला लेने के लिए। और 2 स्टार मैंने काटे हैं। पहला, जैसे मैंने कहा म्यूजिक मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा इतना ज्यादा, और दूसरा स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि वीक डायरेक्शन लगा। स्टार्टिंग में कई कई जगहों पर बोर भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहानी आगे कब बढ़ेगी। मैं फॉरवर्ड कर के देखना चाहती थी लेकिन मुझे रिव्यू करना था, इसलिए मैंने हर एक सीन को ध्यान से देखा। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, आपको ये मूवी पसंद आई या नहीं, और कौन कौन सी मूवीज का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, आपकी मन की सारी बात है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नए आने वाले फिल्मों की अपडेट्स के लिए और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।